हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के साथ अगर आपने नसबंदी ऑपरेशन किया है तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है आगे चल के। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो सकती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटे का बटन है, नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आगे भी हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपने सी सेक्शन डिलीवरी के साथ ही नसबंदी ऑपरेशन किया है तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो दोनों चीज़ आपका एक साथ हो जाता है, आपको अलग से फिर से कट नहीं लगाना पड़ता है, तो दोनों एक साथ हो जाता है। तो कई सारी फीमेल्स जिनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है वो नसबंदी ऑपरेशन करा लेती हैं। तो फेलियर रेट की अगर मैं बात करूँ तो फेलियर रेट इसका ना के बराबर है, यानी कि बहुत ही रेयर ऐसे केस हैं जिनमें कि फेल हो जाता है, यानी कि 100 में से 1। तो फेलियर रेट तो इसमें ना के बराबर है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि इससे आगे चल के आपको नुकसान क्या हो सकता है। तो नुकसान आपको ये हो सकता है कि इन केस अगर आप आगे बच्चा चाहें, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी दुर्घटना आपके लाइफ में घट गई है और आगे आप बच्चा चाह रही हैं जिसके कारण, तो अगर आप खुलवाने की सोचेंगी तो ये जो ऑपरेशन है जो कि नसबंदी ऑपरेशन के साथ किया है, आपके नस को काट दिया गया है, ट्यूब को काट दिया गया है, तो ये बाद में सक्सेस बहुत कम होता है। अगर सक्सेस हो भी जाता है तो या तो वो ना आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि ट्यूब में ही बच्चा पनप जाता है, सही जगह पे नहीं होता है, यानी कि बच्चेदानी में जिसे होना चाहिए, कई बार वो ट्यूब में ही बच्चा ग्रो हो जाता है जिसके कारण ट्यूब और ख़राब हो जाती है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, जब हम सी सेक्शन डिलीवरी के साथ नसबंदी ऑपरेशन कराते हैं तो ट्यूब का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा काट दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है, दोनों हिस्सों को, उनके लास्ट के कोनों को अच्छे से टाई कर दिया जाता है जिससे कि बच्चा ना लग सके। क्योंकि महिला तभी करा रही होती है जब उसको वो पूरी तरीके से सक्षम होती है, आगे उसको बच्चा नहीं चाहिए होता है, फैमिली कंप्लीट हो गई होती है, तो तभी करा रही होती है। तो इसलिए नसबंदी ऑपरेशन अगर फेल हो जाए तो भी दिक्कत की बात है, फिर कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि फेल हो गई करके। तो इसलिए अच्छे से सिजेरियन डिलीवरी में जब किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा नस ट्यूब जो है वो कट कर दी जाती है, जिसके कारण कि जब आप अगर भविष्य में फ्यूचर में कभी खोलना चाहें, माँ बनना चाहें, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्सेस नहीं होती है, बहुत ही कम उसके सक्सेस रेट हो जाते हैं, बजाय आपके जो आपने दूरबीन से नसबंदी कराई गई हो। क्योंकि दूरबीन से नसबंदी जब करते हैं तो उसमें रिंग चढ़ाई जाती है, जो कि अगर आप बाद में कभी खोलना चाहें तो रिंग को निकाला जाता है सिंपली। तो अगर आप सिजेरियन डिलीवरी के साथ करते हैं तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, उसके सक्सेस रेट बहुत कम मिलते हैं। तो यही एक नुकसान आपको भविष्य में हो सकता है अगर आप खुलवाना चाहें नसबंदी ऑपरेशन, वो भी तब जब आप खुलवाना चाहें नसबंदी ऑपरेशन। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दो और हमारे चैनल हैं, मॉमीज हेल्प और पर्सनल हेल्थ टिप्स, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ वहाँ पे भी मैं डेली अपलोड करती हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हमें सवाल कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।